करनाल जिले के घरोंडा में लगने वाले 3 दिवसीय 8वां सब्जी एक्सपो में परवल के किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने दी। उन्होंने बताया कि घरोंडा में 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक सब्जी एक्सपो आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और वहां किसानों को सम्मानित करेंगे। पलवल जिले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस एक्सपो में पलवल जिले के तीनों ब्लॉक पलवल, हतीन और होडल के किसान हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि तीनों दिन पलवल से 50-50 किसानों की बसें भरकर खड़ौंडा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित इस एक्सपो में जाएंगी, जिसमें 9 अप्रैल को पलवल ब्लॉक के 50 किसान, 10 अप्रैल को हतीन ब्लॉक के 50 किसान और 11 अप्रैल को होडल ब्लॉक के 50 किसान जाएंगे। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि 11 अप्रैल को कृषि मंत्री वहां पर किसानों को सम्मानित करेंगे, जिसमें पलवल के 2 किसानों का चयन हुआ है, जो जिले के लिए हर्ष और सम्मान का विषय है। उन्होंने बताया कि इस मेले में पलवल जिले के जिन 2 किसानों को सम्मानित होने के लिए चयन हुआ है, उनमें करतार सिंह पुत्र चतुर्भुज निवासी मुर्तजाबाद व श्याम सुंदर निवासी मड़ना का शामिल है, जिनको एक्सपो के अंतिम दिन कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि इस एक्सपो में जाने वाले किसानों को बागवानी से संबंधित नई नई तकनीकों के बारे में अवगत कराया जाएगा। उसी के मद्देनज़र वहां नई तकनीकों पर आधारित सेमिनार और स्टॉल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से बागवानी एक्सपर्ट किसानों को लेटेस्ट तकनीक के बारे में अवगत कराएंगे, ताकि किसानों की आय 2 गुनी हो सके। हमारा इसराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर और इसराइल के सहयोग से इंडो इसराइल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है घरोंडा में, उसमें हम हर साल एक वेजिटेबल एक्सपो आयोजित करते हैं। उसी के मद्देनज़र माननीय जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, उनके आदेश अनुसार दिनांक 9, 10 और 11 को 8वां सब्जी उत्कृष्टता मेला और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा पे आयोजित किया जा रहा है। उसमें पूरे पलवल जिले के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्जी की काश्त करते हैं, उनको इनाम भी दिया जाएगा। सभी उन्हीं किसानों के लिए वहाँ पे स्टॉल लगाई गई हैं। मेरे जिले से प्रतिदिन एक बस 50 किसानों की जाएगी, एक बस कल पलवल ब्लॉक से जाएगी, दिनांक 9 तारीख को, 10 तारीख को हतीन ब्लॉक से जाएगी, 11 तारीख को होडल और हसनपुर ब्लॉक से जाएगी। इसमें हमारे इस एक्सपो के लिए हमारे 2 किसान चयनित भी हुए हैं। एक किसान चयनित हुआ है करतार सिंह सनौक चतुर्भुज मुर्तजाबाद से, एक किसान हमारा हुआ श्याम सुंदर गांव मढ़ना का ब्लॉक हतीन से, जिनको कि माननीय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी द्वारा दिनांक 11 तारीख को कृषि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा पर उनको जो उनका अवार्ड है उसको उनको दिया जाएगा। जो हमारा एक्सपो लग रहा है उसमें जो लेटेस्ट तकनीकें हैं बागवानी विभाग की, वहाँ हमारे सोज हैं, सेमिनार हैं, हमारे वहाँ जितने भी बागवानी की कार्य हैं, जो नई तकनीकें सारी की सारी वहाँ डिस्प्ले की हुई हैं। हमने वहाँ सारे के सारे हमारे डायरेक्टर जनरल ने वहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं एक्सपर्ट, उनको डेप्यूट किया हुआ आएगा। जो भी किसान भाई यहाँ से जाएगा वो नई तकनीक वहाँ से सीख करके आए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उस किसानों की आमदनी को दुगना करना, उसके मद्देनजर किसानों की आमदनी को दुगनी किया जा सके।